Question number 6. A number when added to its one third. A number. कौन सा number? नहीं मालूम. Right? Let the required number. अब मैं x की जगह कोई और variable लेकर solve करती हूँ. Let the required number be 1. ठीक है? A number when added to. एक नंबर है जब इसको ऐड किया जाएगा किस में? टू इट्स वन थर्ड, खुद के वन थर्ड में. राइट, वन थर्ड किसका? वन थर्ड खुद का, वन थर्ड, वन थर्ड ऑफ वाई. तो कितना होता है? इक्वल्स 52. फिर से सुन लेते हैं इसके. कोई भी नंबर को अगर आप ऐड करेंगे उसी के वन थर्ड में, वन थर्ड ऑफ दैट नंबर. राइट, वन थर्ड ऑफ अ नंबर, तो क्या होगा? वन थर्ड नंबर कौन सा है? y. तो वन थर्ड ऑफ y, तो वन अपॉन थ्री y. तो सेंटेंसेस में जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं उनको समझिए, उनको पकड़िए और उनके अकॉर्डिंग आप इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड के साइन को यूज करेंगे. जैसे मैंने यहाँ पर किया था, वन थर्ड एडेड टू इट्स वन थर्ड, मतलब खुद के वन थर्ड में आप उस नंबर को ऐड करेंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू 52. सो ये आपकी इक्वेशन बन गई है. लेट सॉल्व दिस इक्वेशन. राइट, क्योंकि ये दोनों सेम वेरिएबल हैं इनके पास, तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. एलसीएम ले लेंगे 3. यहाँ पर कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 1 है. यहाँ पर कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 1 है. और इनफैक्ट आप इसे 1/1 लिख दीजिए, लेकिन पेंसिल से. ये सिर्फ फिर बता रही हूँ मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, सिर्फ और सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आप कैसे इनका एलसीएम लेंगे, कौन सा न्यूमरेटर है और किस तरीके से इनके डिनोमिनेटर्स को आपने देखना है. तो y मीन्स 1/1, y मीन्स 1/1. अब आप 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 3. और इसके बाद मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर आप किसी ऐसे नंबर को ले रहे हैं एलसीएम जिसका जिसमें आपको इन दोनों नंबर्स को यानी डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेना पड़े, तो फिर न्यूमरेटर के केस में हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो 3 1 3, 3 × y, 3y, प्लस 1 1 1 1 y. यहाँ पर y आप लिखते नहीं, सॉरी 1 आप लिखते नहीं यहाँ पर, तो हम यहाँ से 1 हटा देंगे. अब ये जो मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको 1 लगाया था, मैंने इसके पास से भी हटा दिया. राइट, यहाँ मैंने इसलिए लिखा है 1 क्योंकि अब अपॉन 3, वन थर्ड, आप अपॉन 3 को हवा में नहीं लिख सकते, इसीलिए आपको उसको फिक्स करने के लिए 1 की ज़रूरत होती है. 1 की किस लिए होती है? क्योंकि इन्होंने वन थर्ड बोला है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 1. अगर 2/3 बोलते तो मैं 2/3 लिख दिया हूँ. राइट, तो ये मैंने आपको बता दिया है कि कैसे मैंने डिनोमिनेटर लिया और कैसे मैंने न्यूमरेटर्स को लिखा है. एंड दिस इज इक्वल टू 52. अब यहाँ मैंने 1 लिखा था, तो 3 + 1 = 4y / 3 = 52. अब क्योंकि LHS एंड RHS पे सिंगल टर्म्स हैं, तो y की वैल्यू निकालने के लिए आपको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लाना होगा और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लाना होगा. राइट, और अब आप कैंसिल कर सकते हैं. 4 × 4 एंड 4 × 3 = 12. सो y की वैल्यू क्या आ गई? y = 13 × 3 = 39. सो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर जो हमें चाहिए वो कौन सा नंबर है? रिक्वायर्ड का मतलब होता है जो हमें चाहिए, वो नंबर था हमारा y, और y की वैल्यू आ रही है हमारी 39. अब आप इसमें वैल्यू रखकर और इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं. हमने लिखा था y प्लस 1/3y, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा? 52 मिलेगा. y क्या है हमारा? 39 प्लस 1/3 × 39 = 52. 3 से कैंसिल कर दीजिए 13, और 39 + 13 अगर आप करेंगे तो 52 आपको मिल जाएगा. देखिए, किसी भी लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व करिए और
सॉल्व करने के बाद फटाफट उसको क्रॉस चेक कर लीजिए, तो आपको ये पता लग जाता है कि मेरा जो आंसर है वो करेक्ट है और मैंने जो इक्वेशन बनाई है वो भी करेक्ट है। तो क्रॉस चेक आदत डालिए क्रॉस चेक की। अगर आपको कोई नहीं भी कहता है कि आपको क्रॉस चेकिंग इसमें करनी है, तो आप अपने आप आंसर फाइंड आउट करके उस आंसर को इक्वेशन में पुट अप करिए और LHS इक्वल टू RHS अपने लिए करके देखिए कि मेरा आंसर सही है या नहीं।